नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक थोड़ी सी शंका है। हम लोग पर्वत पर वंदना करने गए, हमारे मन में एक विचार आया, गुरुवार 20 तीर्थंकर इस पर्वत से तपस्या करके मोक्ष को पधारे, और इनका इनकी तपस्या का समय भी गुरुवार अलग अलग है, कई हजार वर्षों के अंतराल से है। गुरु जी, शंका ये है कि इसी पर्वत पर तपस्या सभी तीर्थंकरों ने की, जबकि इतने अंतराल से की, तो उस पर्वत की ऐसी क्या महत्वता है, या जो भी तीर्थंकर उस पर्वत पर गए। जी भाई, आपका कहने का दो आशय दिख रहा है कि ऐसी क्या विशेषता कि सभी भगवान यहीं से मोक्ष गए। जी, और दूसरी बात, गए तो क्या हमेशा पर्वत ऐसा ही था? देखिए, ये सिद्ध क्षेत्र है, और सिद्ध क्षेत्र ही नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, तो जो सिद्ध भूमि है वहाँ का आकर्षण विशेष होता है, वहाँ की ऊर्जा विशेष होती है, वहाँ का प्रभाव विशेष होता है। इसी का परिणाम है कि हमारे तीर्थंकर भगवंतों के चरण अपने आप खींचे चले आते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा जहाँ से भी मोक्ष जाते हैं, वो स्थान का चयन बुद्धिपूर्वक नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान के उपरांत उनकी कोई भी क्रिया इच्छा पूर्वक या बुद्धि पूर्वक नहीं होती, वो अबुद्धि पूर्वक ही करते हैं, समझ गए। लेकिन जहाँ जैसा नियोग बनता है वो वहाँ चले जाते हैं। इस धरा का ऐसा नियोग, ऐसा प्रभाव है कि स्वाभाविक रूप से हमारे परमात्मा उधर खींच के चले आते, समझ गए। और रहा सवाल, पर्वत ऐसा ही था, तो पर्वत ऐसा ही नहीं था, यही था पर्वत, यही था, लेकिन यही नहीं था, उसमें बदलाव हो गया। मैं बात समझ रहे ना, यही था यही नहीं था, एक बिंदु का अंतर है। पर्वत पहले 12 योजन विस्तार का था, अब तो घट के अगर देखें तो पूरा एरिया एक योजन भी नहीं बचा, समझ गए। हम अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस पर्वत को अवशिष्ट पहाड़ की श्रेणी में गिना जाता है। अवशिष्ट पहाड़, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो बताया जाता था पारसनाथ की पहाड़ी, अवशिष्ट पहाड़। अवशिष्ट पहाड़, कभी ये पहाड़ हिमालय जैसा ऊंचा था, मोड़दार पहाड़ कहलाता है हिमालय, नया मोड़दार पहाड़, जिन्हें ज्योग्राफी पढ़ी हो जानते हो। वो पहाड़ जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ घिस घिस के छोटा हो जाता, उसको बोलते अवशिष्ट पहाड़, समझ गए। तो ये अवशिष्ट पहाड़ है, तो इस बात का प्रमाण है कि कभी इसका रूप बहुत बड़ा होगा, और वही अजितनाथ भगवान जब आए, उनकी काया ही 450 धनुष की थी, तो पर्वत कितना होगा, आप अनुमान लगा दें।